नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप फ्री का इंटरनेट चला सकते हैं कहीं भी और कहीं भी। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका कोई भी सिम नंबर हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, कोई भी हो, बस आपके उस जिस नंबर पे आप डेटा कनेक्शन ऑन कर रहे हो, मतलब डेटा चला रहे हो, उस पे बस जीरो बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर जीरो बैलेंस अगर से ज़्यादा है तो पैसे उसमें से काट सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ ये कि मेरे में जीरो बैलेंस है और डेटा इंटरनेट डेटा पैक बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको समझ आए, तो आप बेस में आप छोड़ दोगे वीडियो तो आपको समझ नहीं आएगा और आप जब यूज़ करोगे तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कीप टू लर्निंग, आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं सब्सक्राइब बटन, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर दिए। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से नई नई ट्रिक मैं लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने डेटा कनेक्शन ऑन करके रखा हुआ है एयरटेल का। मैं आपको इससे बैलेंस दिखा देता हूँ, मेरा इस पर जीरो बैलेंस है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन मैं कल यूज़ करके देखा हूँ और काफ़ी अच्छे से काम करता है। कल मैंने इस पर काफ़ी पैसे, मतलब काफ़ी मैंने इंटरनेट चलाया। आप देख सकते हैं इसमें जीरो बैलेंस है। अब इस पर वो भी करके चेक भी करके दिखा देता हूँ, मेरे इस पर इंटरनेट चेक बिल्कुल नहीं है, इंटरनेट बैलेंस नहीं है। आप पीछे से पता लगा सकते हैं कि एम ए कम्प्लीट। चलो, आपको ये तो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने पहले भी कभी ऐसे ट्राई किया है इंटरनेट चेक करने के लिए, बट दिखता नहीं है। कभी कभी एयरटेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह से आ जाता है। चलो, आपको मैं इंटरनेट कनेक्शन कोई भी ब्राउज़र ऑन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस पर यूट्यूब आया है, यूट्यूब मैंने सर्च किया था। दूसरा टैब लेते हैं, देख सकते हैं मैंने यूट्यूब ओपन किया है, क्लिक किया है, पर ये चलेगा ही नहीं क्योंकि दोस्तों इस पर नेट ही नहीं है। आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी टाइम ले रहा है पर अभी तक वो ऑन हुआ नहीं है, ये चलेगा ही नहीं। चल गूगल ट्राई करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं गूगल भी नहीं चल रहा है, अटक गया है क्योंकि इस पर नेट ही नहीं है। दोस्तों, इसके लिए आपको बस उस पर उस एप्लीकेशन का बस एक बार ट्राई करना है। चलो, मैं उस एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं इसे स्क्रीन के ऊपर एक TYMBPN इस तरह से नाम से एक एप्लीकेशन है, आप बस इसे ओपन करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसे कोई कनेक्ट भी नहीं किया हुआ है। दोस्तों, इस पर नीचे देख सकते हैं एक इसे कनेक्शन सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि कनेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। आप नीचे एक और बटन दिखा देगा टच टू मैनेज, आप इसे क्लिक करके देख भी सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं आता पर क्लिक करना ही होता है बस, ताकि ये डिसकनेक्ट ना हो जाए। अब उसके बाद आप बस सिर्फ बैक बटन या फिर होम बटन क्लिक करके बाहर आ जाइए और आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हैं पहले हमने यूट्यूब और गूगल भी सर्च किया था पर आया नहीं था। अभी मैं तुम्हें आपको दिखा देता हूँ कि गूगल और यूट्यूब काम करता है या नहीं। मैंने यूट्यूब क्लिक किया है। दोस्तों, ये काम करता है और मैंने इसे यूज़ भी कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये YouTube भी खुल गया इस तरह से। दोस्तों, ये 3G 2G ऐसे स्पीड देता है, 4G स्पीड तो नहीं कह सकता क्योंकि ये इतना स्पीड नहीं देता, बट आपको दोस्तों ये 3G स्पीड जरूर देता है। अब हम गूगल भी सर्च करके दिखाते हैं क्योंकि पहले मैंने जो गूगल सर्च किया था तो आया नहीं था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गूगल भी काम कर रहा है। दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी वीडियो मूवी देख सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी आप इसे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे एप्लीकेशन में कई बार कल डाउनलोड भी किया है 10 MB का और ये डाउनलोड भी हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह से ट्रिक में लाता रहूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, प्ले स्टोर भी ओपन हो गया है। दोस्तों, ये 4G का तो नहीं बट 3G की स्पीड जरूर देता है, आप एक बार ट्राई करके जरूर ना। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ओपन करना है और उसके बाद दोस्तों इसमें लेफ्ट साइड में देखेंगे बहुत सारे इस पर कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारा ट्रिक बताएंगे। इसमें से आपको बस एक ट्रिक वाला इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिक, इसे क्लिक करना है। आप सबसे नीचे आएंगे तो देखेंगे तो इंटरनेट, आप इसे क्लिक करिए। दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा है, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो लिंक है, बस इस लिंक को क्लिक करना है।
और डाउनलोड करना है। हम देख सकते हैं इस तरह से, जैसे डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है, वैसे मैं क्लिक करके डाउनलोड शुरू हो जाएगा। आप डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन कर लीजिए। आप जैसे इस तरह से बताया है, आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से बताया हुआ है।